नमस्कार, मैं हूं शेफाली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज और अब हम बात कर रहे हैं उपचुनाव के जो धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं उसमें। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूं कि बीजेपी 19 पे बढ़त बनाई हुई है और वहीं कांग्रेस 8 पर है और एक अन्य दल बसपा आगे चल रहा है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय जी हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी से हम बात करेंगे, इस ये उपचुनाव क्यों खास है, क्यों इस पे पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। बिहार में भी चुनाव है, मुख्य चुनाव है, लेकिन मध्य प्रदेश के उपचुनाव पे सबकी नजरें क्यों टिकी हुई है। खास बात मैं आपको बता दूं कि 15 साल भाजपा की सरकार रहने के बाद 15 महीने कमलनाथ की सरकार चली और भड़बड़ा कर गिर पड़ी। शिवराज का राज वापस आया और अब फिर जो रुझान सामने में आ रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि शिवराज का राज कायम रहने वाला है। अनुराग जी क्या कहेंगे? यकीनन शेफाली, जिस तरह के रुझान हैं जो इशारे कर रहे हैं लगातार कि शिवराज मध्य प्रदेश में कायम रहेगा, अभी तक की स्थिति यह है। आप देखिए कि 15 से 18 सीट की उम्मीद थी बीजेपी को लेकर, लेकिन अभी आपने जो जानकारी दी कि 19 पे बीजेपी आगे चल रही है, 8 पे कांग्रेस, 1 मुरैना सीट पे बहुजन समाज पार्टी बीएसपी आगे चल रही है। ये बताता है कि 15 साल फिर एक बार 15 महीने पे भारी साबित हो मैं शेफाली, इसमें आप मुझसे सवाल करेंगे, मुझसे पूछेंगे, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। कमलनाथ और शिवराज सिंह दोनों में आपको ज्यादा बेहतर कौन लगता है वर्क का, उनकी कार्यप्रणाली की दृष्टि से? मैं अगर बात करूं कि 15 साल के शिवराज और 15 महीने के कमलनाथ, तो देखिए व्यक्तिगत तौर पर अगर हम किसी से एक बार एक क्षण के लिए भी मिलते हैं तो हमको पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है। तो कमलनाथ जी के बारे में मैं व्यक्तिगत तौर पे उनसे कभी नहीं मिली, लेकिन उनके बारे में जो सुनने में आता था बार बार कि उनके मंत्री भी उनसे मिलने आते थे तो अभी ना मिल पाएंगे करके एक जवाब आता था या फिर चलो चलो जैसी कहानी आती थी। उस मामले में शिवराज बहुत सहज, बहुत सरल और बहुत संवेदनशील व्यक्ति है और उन्होंने कभी किसी से मिलने से मना नहीं किया। उनकी मुलाकातें बहुत आसान होती थी, कोई भी आम आदमी उठ के उनसे मिल सकता था, उनके दरवाजे से एक तो कोई खाली हाथ नहीं लौटता था पहली चीज, और कमलनाथ जी से मुलाकात उतनी ही मुश्किल होती थी। तो एक बेसिक अंतर था कि मतलब जो पत्रकार लोग हैं वो कहने से कतराते हैं, जी जी, वो सबकी लल्लो चप्पो करते हैं नेताओं की कि किसी से संबंध खराब ना हो, लेकिन मैं बहुत साफ तौर पर कह रहा हूँ कि अगर कमलनाथ और शिवराज सिंह का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, अगर 10 में से मुझे नंबर देना होंगे तो मैं कमलनाथ को 1 नंबर दूंगा। बिल्कुल, ये तो खैर मुझे है ना, शिवराज को 9 नंबर मिलेंगे। आप ये देखिए शिफाली कि आप जिस तरह से बता रही हैं कि उनका दरबार खुला रहता था, कोई भी मिल सकता था। कमलनाथ उद्योगपति हैं, जैसा कांग्रेस प्रचारित करती है, वो काहे के उद्योगपति हैं, कौन सा उद्योग चलाते हैं ये राम जाने ईश्वर जाने, जनता के सामने है ना। तो कमलनाथ व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, बड़े परिवार से जुड़े हुए हैं, और शिवराज सिंह बकौल कांग्रेस भूखा नंगा है। तो उनकी जो पीड़ा है शिवराज सिंह की, वो हर आम आदमी के प्रति, उस भूखे नंगे व्यक्ति के प्रति नजर आई मुझे इन 15 सालों में। शिवराज मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी, प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के तब भी, फिर वो 13 साल मुख्यमंत्री थे तब भी, और 15 महीने में अगर मेरे दिमाग में कोई छवि है कमलनाथ की तो वो जैकलिन के कमर में हाथ डाले हुए है। बिल्कुल, और एक तरफ वो कांग्रेस एक चीज भूल जाती है या वो मिस्टेक कर देती है कि वो कुछ भी बोलेंगे बीजेपी उसको पॉजिटिव लेगी। भाई आपने मोदी जी को चौकीदार बोला तो मैं चौकीदार हूँ, पूरा देश खड़ा हो गया। आपने शिवराज को भूखा नंगा बोला, उन्होंने इस चुनाव में उसको भी कैश किया है। गरीब परिवार से होना, भूखा नंगा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बड़ा होके पैसे वाला होके चोरी करना, बड़ा होके पैसे वाला होके तबादला उद्योग चलाना, ये सब आप देखिए ना कि मध्य प्रदेश में शिफाली जी जिस किस्म से तबादला उद्योग चला 15 महीने तक, जिन लोगों ने भी तबादले कराने के लिए पैसे दिए होंगे, बिना पैसे लिए दिए काम नहीं हुए, सबको पता है, क्या वो इस सरकार से खुश थे? बिल्कुल नहीं। और जो पैसा देके बार बार टप्पे खा रहे थे, हमने एक चीज और देखी थी 15 महीने की सरकार में कि कोई भी स्थायी रूप से अधिकारी किसी भी कुर्सी पे नहीं बैठा। हम अगर जनसंपर्क के ही कुछ अधिकारियों की बात करें तो शीर्ष पद पर बैठे 4 से 5 प्रिंसिपल सेक्रेटरी बदल गए इसके बाद। देखिए कांग्रेस के पास इस बार जो सबसे बड़ी चीज थी 15 महीने में, न नीति थी और न नियत थी। बिल्कुल, इनकी जनहित की कोई नीति नहीं थी, जनहित की कोई नियत नहीं थी। इन्होंने एक शिगुफेबाजी जो की थी बड़ी, इनके भाषणों में जब राहुल गांधी को लेके आए आम चुनाव में 2018 के, तो वो कहते थे किसानों का कर्जा माफ, 2 लाख कर्जा माफ नहीं, किसानों का कर्जा माफ होगा। आपने उसको एक 2 लाख के फ्रेम में ले आए, फिर वो 2 लाख भी पूरा नहीं हुआ, किसी का 20,000, किसी का 50,000,
और उसके बाद कर्ज माफी के सर्टिफिकेट बांट दिए गए, किसान खुश हो गया, उसने पैसा नहीं दिया, बैंक का डिफॉल्टर हो गया वो किसान। बैंक डिफॉल्टर बनाने में कमलनाथ की सरकार ने सबसे अहम भूमिका निभाई। किसानों के सर पर जो कर्ज था उसको दुगना चौगना करने में कमलनाथ की सरकार ने अहम भूमिका निभाई। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि फूल सिंह बरैया आगे चल रहे हैं और पारुल सिंह केशरी जो है वो पीछे चल रहे हैं। सुर्खी में पारुल गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री रहे जो, और मलहरा सीट से राम सिया जो इन्होंने कार्ड खेला था, उमा भारती की वेशभूषा धारण किए हुए एक महिला को सामने लाई थी कांग्रेस, वो पीछे चल रही हैं। देखिए बड़ा मलहरा से मैं बात शुरू करता हूँ। बड़ा मलहरा उमा भारती का इलाका है, लोधी वोट वहाँ सबसे ज्यादा है। कांग्रेस छोड़ के प्रद्युम्न लोधी आए बीजेपी में और इन चुनाव के समय उनको कोरोना हो जाता है, वो अस्पताल में है और ऐसे में उमा भारती ने वहाँ मोर्चा संभाला, शिवराज सिंह ने वहाँ जाके 2-3 सभाएं की, मोर्चा संभाला। वो आप देखिए कि एक भगवाधारी दूसरी साध्वी रामसिया भारती को लेके आए, उसका कोई असर नहीं हुआ जी। इनकी जो पॉलिटिकल, आप देखिए कि जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई मंगलवार था, जिस दिन वोट पड़े मंगलवार था, आज परिणाम आ रहे हैं मंगलवार है। कांग्रेस ने प्रचारित किया कि कमलनाथ जी बजरंगबली के भक्त हैं, इसलिए कांग्रेस का मंगल होगा। लेकिन अभी मुझे शेफाली जी कांग्रेस का, कमलनाथ जी का, दोनों का अमंगल होता नजर आ रहा है। जो रुझान है वो ये कह रहे हैं, वो शिवराज का मंगल करते नजर आ रहे हैं। यकीनन शिवराज सिंह का मंगल है और कमलनाथ जी और कांग्रेस का अमंगल है। कांग्रेस के नेता, आप एक चीज और बताऊं, ये चुनाव शेफाली जी कई किस्म से याद रखा जाएगा। इस चुनाव में सबसे गंदी जुबान राजनेताओं के सामने आई मध्य प्रदेश, बिल्कुल आइटम जैसा शब्द। एक सीनियर लीडर कमलनाथ जी बहुत लंबे अरसे से राजनीति कर रहे, इंदिरा गांधी के करीबी रहे और संजय गांधी के करीबी मित्र रहे, बहुत खास मित्र थे, सोनिया गांधी से उनकी करीबी मानी जाती है, लेकिन एक आइटम जैसे शब्द को बोलते समय वो झिझके नहीं। उन्होंने बड़ी ही बेशर्मी से मंच पर अपनी ही सहयोगी, चाहे भले ही अब उनका साथ छोड़ चुकी है, उनको आइटम जैसे शब्द से संबोधित किया, लेकिन वो प्लस पॉइंट रहा इमरती देवी में। मैं आपको बता दूं इमरती देवी आगे चल रही हैं और उनकी जीत की संभावनाएं 99% तक फिक्स हो चुकी हैं। कमलनाथ जी का आइटम शब्द कहना आप कैसे लेते हैं अनुराग जी? आप जब आइटम की चर्चा भी कर रही थी तो आपके चेहरे पे वो तेज था जी, एक रोष था जो मुझे लगता है कि आम भारतीय महिला में, आम एक गृहिणी में, कि महिलाओं को आइटम क्या। कमलनाथ जी ने कहा कि साहब, उसके बाद उन्होंने जो उस पर एक्सक्यूज दिया ना, वो उससे भी ज्यादा घटिया था कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा की कार्यवाही में लिखा रहता है आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2। क्या कमलनाथ जी अपने घर में अपनी बहुओं से, अपनी बेटियों से, पत्नी से, रिश्तेदारों से महिलाओं को ऐसे बुलाते होंगे कि आइटम इधर आ? बेहद घिनौना, शर्मनाक, सड़क पे खड़े हुए लोफर लफंगे आइटम शब्द का इस्तेमाल छेड़ते हैं लड़कियों को, तो इसका माकूल जवाब जेल में चले जाते। देखिए बहुत इमरती भी कितनी भी चतुर राजनेता एक गृहिणी है, गृहिणी है ना, आम तरीके से उन्होंने कमलनाथ जी को बखूबी जवाब दिया, लुच्चा लफंगा तक उनको कहा कि उनकी हरकत जो है लुच्चे लफंगे जैसी थी। मैं आइटम के बारे में एक बात और बताऊंगा शिफाली जी, जो मुझे पीड़ा दे रही थी कि आप अगर उस दृश्य को देखें जब कमलनाथ जी ने बड़े मस्खरे और एक छिछोरे अंदाज में आइटम कहा, उस समय कांग्रेस की एक सीनियर लीडर महिला विजय लक्ष्मी साधो, वो ठाके लगा रही है मंच पे, मुंह पे हाथ रखे यूं करके, मतलब और ये क्या कह दिया। और उस वक्त भी उन्होंने अपने एक लीडर को यह समझाने की कोशिश नहीं की कि सर मैं भी एक महिला हूं और आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तरीके के शब्द ना बोले और वो वहीं पे ठहाके लगा रही हैं। और मुझे लगता है इस आइटम के कारण 4-5 सीटें जो है कमलनाथ के हाथ से निकल गई। बिल्कुल अभी जो रुझान आए हैं वो मुझे ऐसा लगता है शेफाली कि हमारे यहाँ 50% आबादी महिलाओं की है, 50% वोटर महिलाएं हैं और ये कभी ना बोलती हूँ, ये लंबा घूंघट रखती हूँ, ग्वालियर चंबल अंचल की हमारी बहन बेटियाँ, माँ बहनें, लेकिन बदला लेने में चंबल का पानी पीना खेल नहीं है। चंबल की नदी है तो छोड़ेगी नहीं, शौर्य की नदी है, शौर्य के लोग हैं वहाँ, लोग दीवाने हैं, आपके लिए जान दे सकते हैं, आपकी जान ले सकते हैं। तो कमलनाथ जी को ग्वालियर चंबल में जितनी सफलता मिल सकती थी, आइटम के कारण कमलनाथ जी वहाँ हाशिए पे हैं। बिल्कुल। अनुराग जी, एक गेम कांग्रेस ने खेला था इस चुनाव में, जुमला दिया था गद्दार, सिंधिया को टारगेट किया गया था, पहले सिंधिया ही इनके मुख्य चेहरा थे और 2018 किसी से भी पूछ लिया जाए जो राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट ना रखता वो भी बताएगा कि 2018 में अगर चुनाव जीता गया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर दिया गया था। कमलनाथ को मैं कभी
जनता का नेता नहीं मानता, कमलनाथ में जन नेता के कोई गुण मुझे नजर नहीं आते। अगर हम शिवराज सिंह से भी तुलनात्मक बात कर रही थी, कमलनाथ जी कभी अपने एसी चैम्बरों से बाहर ही नहीं निकले, उनका बस नहीं चला, नहीं तो कभी खेतवेद देखने भी गए ना तो वो एक एसी डब्बा बना लेते, उसमें बैठ के जाते, उनका बस चलता। तो कमलनाथ जी आज के दौर की राजनीति के हिसाब से मिसफिट हो चुके हैं। ये तब के राजनेता हैं कि जब इनकी तूती बोलती थी बंद एसी कमरों में बैठे रहते थे, इन्होंने जो कह दिया वो सच मान लिया जाता था और जनता सवाल जवाब नहीं करती थी। अब हर चीज पब्लिक डोमेन में है, लोग आपसे ज्यादा ज्ञानी हैं, लोग आपसे ज्यादा पढ़ते लिखते हैं, लोगों का विजन आपसे ज्यादा है और हर आदमी चाहता है कि नेता उसकी अप्रोच में रहे, नेता उसकी नाजायज बात ना माने, कम से कम जायज बात मान ले। लेकिन कमलनाथ जी के समय क्या हुआ, लोगों के जायज काम नहीं हुए, लोगों के जायज काम के लिए उनसे पैसा मांगा गया, तो लोग त्राहिमाम कर चुके थे, इनसे बड़े दुखी हो गए थे। और आपने अभी कई सारी चीजें आइटम से शुरू की, तबादले पे आए, इनके सुशासन पे आए, 15 महीने वर्सेस 15 साल की आपने बात की, तो 15 महीने में कहीं एक मध्य प्रदेश के लोगों को हैप्पी फीलिंग नहीं आई? आपने लोगों के कुछ अतिक्रमण हटाए तो चुन चुन के हटाए आपने, बदले की भावना से किया। फिर आप जो मसला अभी आपने चर्चा की, गद्दार जी, भाई कांग्रेस में है तब तक वफादार, कांग्रेस छोड़ दी तो गद्दार, इन कांग्रेसियों को गद्दार बनाने वाला कौन, कमलनाथ, इन कांग्रेसियों के साथ बदसलूकी करने वाला कौन, कमलनाथ साहब, इन 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 कांग्रेसियों को चलो चलो कहने वाले कौन, कमलनाथ। तो भैया कमलनाथ जी कभी कभी अपने गिरेबान में भी झांक लीजिए, कभी कभी अपनी कथनी करने को भी देख लीजिए। आप जनता की अदालत में जा रहे थे और जनता पे ढोल रहे थे भाषण में कि जो 28 सीटों की जनता है ये निर्णय करेगी, उसने कर दिया निर्णय। जो रुझान आ रहे हैं 19 आपने बताया मुझे कि बीजेपी, 8 पे कांग्रेस, 1 पे बीएसपी, तो ये रुझान बता रहे हैं, जनता बता रही है कमलनाथ जी कि आप मिसफिट हैं, आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि आपको सर माथे पे बैठाया जाए। बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि गद्दार कह के जो प्रचारित किया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक थे वो सभी सीटों से आगे चल रहे हैं, तो गद्दार का जो फंडा अपनाया था कमलनाथ ने वो उनका फेल होता नजर आ रहा है। और इस उपचुनाव में अगर गद्दार और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों को पीछे पड़ने की जगह अपनी नीतियां सामने लाए होते, अपनी चीजें आगे रखते, तो शायद कुछ सीटें और हाँ, कमलनाथ के हिस्से में आती। और वैसे मैं शिफाली आपको बताऊं कि पिछली बार जो सरकार बनी थी, मतलब पूर्ण बहुमत कमलनाथ जी को नहीं मिला था, लेकिन जो सरकार बनी थी वो ग्वालियर चंबल के कारण बनी थी, उसका उसके जो सिरमौर हैं उसका सेहरा जो बनना था ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिर बनना था। जी, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ की जगह पे मुख्यमंत्री होते तो यकीनन वो सरकार आज चल रही होती। और खास बात, गद्दार तो आपने कहा, लेकिन उनको गद्दारी करने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर ऐसा आपने क्या कमी छोड़ी थी, क्या वजह थी जो इतने सारे मंत्रियों को एक साथ इस्तीफा देना पड़ा? ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि कांग्रेस छोड़ देंगे, वो अगर छोड़ दिए तो कोई तो बड़ी वजह होगी कि उन्होंने कांग्रेस का दामन। मुझे डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर याद आता है और बड़ा मौजूद है इस वक्त, कि उसकी भी कोई मजबूरियां रही होगी वरना वो यूं बेवफा नहीं होता। बिल्कुल, तो मजबूरियां थी। और जो कांग्रेस के साथी हैं जो बीजेपी में आए, जब वो अपनी पीड़ा बताते हैं, अपनी बात बताते हैं कि किस तरह का बिहेव किया जाता था, तो बहुत यकीन मानिए कि एक बड़ी दुर्घटना कमलनाथ जी के साथ हो सकती थी, टल गई, किसी भी दिन उनके ऊपर ये लोग चढ़ बैठते, कुछ कर जाते तो कमलनाथ जी क्या करते। फिर गद्दारी से एक चीज और मुझे याद आ रही है कि पिछले इलेक्शन में पूरा अगर आप बीजेपी का कैंपेन देखें तो बस करो महाराज, टारगेट सिंधिया थे, उन्हें मालूम था कि सिरमौर सिंधिया है, कांग्रेस को जिताएंगे सिंधिया, तो जो बना सकता है वो बिगाड़ सकता है। उन्होंने सरकार बनाई सिंधिया ने, सिंधिया ने सरकार गिरा दी, आपने उनकी नहीं सुनी, उनको सड़क पे आने का चैलेंज किया, वो सड़क पे आ गए और आपको सड़क पे ले आए, यही सब कुछ हुआ। और मुझे लगता है कि सिंधिया का कद आज कमलनाथ से ज्यादा बड़ा, वो सत्ता में नहीं आए, वो कांग्रेस में मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो लोकसभा का चुनाव हार गए, वो बीजेपी में आए, बीजेपी ने उनको राज्यसभा के जरिए फिर सदन में भेज दिया, ये ठीक है। लेकिन अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें शेफाली जी, तो कमलनाथ से बहुत ज्यादा बड़ा कद ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, और कमलनाथ से बड़ा कद तो शिवराज उनका दिग्विजय सिंह साहब का भी है, दिग्विजय सिंह भी कमलनाथ से बड़े नेता हैं। कमलनाथ की बस एक ही खूबी है कि उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो महाराज, और पैसे वाले होने से तात्पर्य वो हमारे प्रदेश के लिए क्या करने वाले थे, क्या वो अपने उद्योग की लागत और, अरे मुझे तो ये मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, बहुत नहीं पढ़ता, मुझे नहीं पता कमलनाथ जी के कौन से उद्योग हैं,
इनके पास कहाँ से उद्योग आ गए, इनके पास पैसा कैसे आया, इस सब की जांच होनी चाहिए, इन्हीं की नहीं, सारे नेताओं की होनी चाहिए। तो कमलनाथ जी तो बहुत संदेह के दायरे में हैं। और शेफाली जी, मैं तो, आप तो खबरें करती हैं, आप एंकर हैं, आप एडिटर हैं, हम सुनते हैं आपको कि जब आप कहती हैं 15 महीने तक आप बहुत चीख चीख के कहती रहीं कि कमलनाथ जी ये खबर आपके लिए, तो हमने वो खबरें देखी, हमने आपके नज़रिए से वो सिख दंगा देखा, हमने आपके नज़रिए से नानावटी आयोग की वो रिपोर्ट्स देखी जिसमें कमलनाथ दोषी हैं, हमने कमलनाथ के भांजे रतुलपुरी की खबरें आपके जरिए देखी, हमने तमाम सारी ऐसी चीज़ें देखी जिससे लगता है कि कमलनाथ संदेह के दायरे में है। कमलनाथ को लेकर बहुत सारी जांचों की आवश्यकता है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन फिलहाल उपचुनाव चल रहा है मध्य प्रदेश का, और उपचुनाव के जो रुझान है, मुझे लगता है कुछ बदलाव हुआ है उनमें। उपचुनाव के रुझान में तो अभी बदलाव नहीं है, 19 पर बीजेपी आगे है, 8 पर कांग्रेस और 1 पर बीएसपी। और अनुराग जी, एक चीज मेरे दिमाग में चल रही है कि पिछले कुछ दिनों से वोटिंग और ये चुनाव का, जब से ये आचार संहिता शुरू हुई तब से, एक एग्जिट पोल पर भी दो चीजें बटी हुई थी कि कुछ कह रहे थे 16-17 बीजेपी और कांग्रेस जो है 10-11 पर रहेगी, या कुछ जो हमारे पत्रकार साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो है, उनका कहना था कि हो सकता है कि एक तरफा कांग्रेस या एक तरफा बीजेपी। देखिए, पत्रकार तो पत्रकार होते हैं, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, मैं तो नहीं मानता, पत्रकार तो पत्रकार होता है, कौन सा बीजेपी का कौन सा कांग्रेस का मुझे नहीं पता। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि आपने अगर ये कह दिया, आपको जो दिख रहा है, आपने जैसे शुरू से ही मैंने आपके एग्जिट पोल्स देखे थे, हमने दखल के एग्जिट पोल में दिखाया था कि 18 सीटें कम से कम बीजेपी के पास आएंगी और कांग्रेस 8 के पास, 9 से 11, हाईएस्ट 9 से 11। उस पर कुछ लोगों की मैंने टिप्पणियां भी पढ़ी थी कि आप बीजेपी के पत्रकार हैं, तो ये कहते वक्त कुछ लोग इस बात पे नहीं झिझकते कि पत्रकार है, जो उसको दिखेगा वो वही कहेगा। अगर आप ये बीजेपी के पत्रकार हैं इधर बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस के पत्रकार हैं क्या? ये एक बंटवारा सा हुआ है, और इसकी देन मुझे लगता है मध्य प्रदेश में, इसका श्री कमलनाथ जी को, और इनके एक सहयोगी आए थे, मीडिया सलाहकार थे, आई थिंक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कोई बड़गैया थे, रवि बड़गैया, और मुझे लगता है कि कमलनाथ का सबसे ज्यादा भट्टा बैठाने वाले, कमलनाथ की इमेज को कचरा कचरा करने वाले कोई शख्स थे तो रवि बड़गैया थे। रवि बड़गैया ने कमलनाथ की जो मीडिया पॉलिसी थी, कमलनाथ का जो खुद का विजन था, वो खत्म करके रवि बड़गैया का विजन ठोक दिया, और कमलनाथ और मीडिया के बीच में इतनी दूरियां ला दी कि जिस समय कमलनाथ की सरकार गिरने वाली थी, जब कमलनाथ के विधायक टूटना शुरू हो गए थे, मीडिया मौन साधे रहा, उन्होंने कहा इसके साथ जो हो रहा है होने दीजिए। और कई बार मुझे लगा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, कमलनाथ जी के साथ अनजस्टिस तो नहीं हो रहा, लेकिन ये लगा कि कमलनाथ जी ने जो बोया है, कमलनाथ जी वो काट रहे हैं, कमलनाथ जी ने वही फसल काटी जो बोई थी। बरैया सांची से पीछे चल रहे हैं, प्रभुराम चौधरी सांची में नहीं, फूल सिंह बरैया सांची से नहीं होंगे, फूल सिंह बरैया सांची से प्रभुराम चौधरी आ गए होंगे, चौधरी आ गए हैं, पीछे चल रहे हैं, और रामसिया पीछे हैं, और अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है, इससे हम बिल्कुल 1981 पर स्थिति। और मुझे लगता है शिवराज का राज कायम रह सकता है, शिवराज राज कायम रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है शिफाली जिस तरह से परिणाम ऊपर नीचे हुए हैं, थोड़ा सा ब्यावरा में मुन्नालाल गोयल आगे चल रहे हैं, ब्यावरा में मुन्नालाल गोयल नहीं होंगे, मुन्नालाल गोयल ग्वालियर में होंगे, वो वहां से आगे चल रहे होंगे, ब्यावरा से दांगी जो है मुझे लगता है वो आगे होंगे इस समय, और शिवराज राज कायम रहेगा। आपकी ये बात, दांग आगे चल रहे हैं, शिवराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के जितने भी समर्थक हैं वो सब आगे हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के लिए एक चीज लेकर पीछे पड़ रही पूरी कमलनाथ के सहयोगी और साथी और पूरे कांग्रेस की, दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं, गद्दार हैं, बिकाऊ हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। लेकिन इसमें शेफाली जी, मैं होती है मैं, शब्दों को तार तार करके, मर्यादाओं को भंग करके इस उपचुनाव में सब मैदान में कूद पड़े थे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के ही लोगों की जवान फिसली थी, फिसली तो भाजपा में शामिल हुए कुछ लोगों की भी थी, और जितना गंदा बोल सकते थे, मुझे लगता है इस चुनाव की चर्चा होगी, बिसाऊलाल साहू की अगर हम बात करें, हाँ, मध्य प्रदेश की जब इन उपचुनाव की 2020 की चर्चा होगी, तो ये शब्दों की मर्यादा तोड़ने वाले उपचुनाव के तौर पर भी याद रखा जाएगा, क्योंकि आइटम से जो सिलसिला शुरू हुआ तो कभी रुका नहीं, जिसके मुंह में जो आया वो बकते रहे, लोग कहते रहे, लेकिन मुझे लगता है लोकतंत्र में इन सबसे बचना जरूरी है, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए।
आप अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाएं तो आपको याद किया जाएगा, लेकिन इस उपचुनाव को सिर्फ और सिर्फ इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि शब्दों की सबसे ज्यादा मर्यादा है। मुझे एक चीज और लगती है शेफाली, आपने भी इस पे कभी गौर किया होगा कि इस चुनाव के जब हम कैंपेन को देख रहे थे, जी, जी। आप तो रोज खबरें कर रही थी उस दौरान, कांग्रेस के पास कोई सेकंड लीडरशिप निकल के नहीं आई, नहीं आ रही है। और एक तरफ देखिए आप, बेहद सीनियर कमलनाथ और दिग्विजय, दिग्विजय पर्दे के पीछे चले गए, जूनियर जो अब शुरुआत किए हैं तो नकुलनाथ और जयवर्धन सिंह, यहाँ पर पुत्र मोह के गड्ढे में भी गिरे हैं। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस कहीं ना कहीं 2018 में 15 साल बाद काबिज होने के बाद भी पुत्र मोह के गड्ढे में गिर गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया की वैल्यू को नहीं समझा, उनको दरकिनार करने के लिए कोई एक कसर नहीं छोड़ी, जिसका खामियाजा, जिसका नतीजा ये है कि चौथी बार शिव का राज आ चुका है। आप देखिए ना, कमलनाथ से शुरू हुए, कमलनाथ पे खत्म हो गए जी, कमलनाथ से शुरू, कमलनाथ पे खत्म, ये इतनी सी कहानी कांग्रेस की बची है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री बनेंगे तो कमलनाथ, जबकि होना ये चाहिए था कि कुछ लोगों को संगठन को मजबूत करने के लिए सामने लाया जाता, जैसे जीतू पटवारी हैं तो उनको कुछ ऐसा काम दिया जाता। आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, लेकिन उसके ऊपर भी अध्यक्ष कमलनाथ हैं, कार्यकारी अध्यक्ष के ऊपर। तो जो नए लड़के हैं, जो युवा चेहरे हैं कांग्रेस का, उनका सदुपयोग नहीं हुआ। वहीं बीजेपी में मैं देख रहा था शेफाली जी, और खबरों के जरिए सामने आया, नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा नाम बनकर उभरे, बीडी शर्मा जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, उनका उनका जो मैनेजमेंट है पार्टी का, संगठन का, उनका जो तजुर्बा है, जिस तरह से इस चुनाव को उन्होंने मैनेज किया, भाई प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी भूमिका होती है। अगर हम प्रदेश अध्यक्षों की तुलना करें, एक तरफ कमलनाथ, एक तरफ बीडी शर्मा, तो बीडी शर्मा पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, कमलनाथ जी को तो बड़ा लंबा तजुर्बा है, बीडी शर्मा नए नवेले हैं, एबीवीपी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति में आए, बीजेपी में सांसद बने, फिर प्रदेश अध्यक्ष बने, और कमलनाथ को धूल चटा दी। एक नाम और आया, अरविंद भदौरिया, लाजवाब वर्कर हैं, इत्तेफाक वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकल के आते हैं। आप कोई संघ का है, कोई कुछ कह दीजिए, संघ कम से कम कुछ संस्कार नहीं देता, वो राष्ट्र की बात करता है, देश की बात करता है, वहां से निकल के अच्छे लोग सामने आते हैं, पूरे देश में मोदी साहब से लेकर तमाम उदाहरण है। तो कांग्रेस को आप चाहिए कि गालियां देना छोड़े, अपने जितने बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा आराम करने दें। मैं ये नहीं कह रहा कि बुजुर्ग, उनसे मार्गदर्शन लीजिए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए, उनके तजुर्बे का लाभ दीजिए और नए लोगों को सामने ला दीजिए। और मुझे लगता है कि जब तक कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे चेहरे सामने रहेंगे, कांग्रेस का बंटाढार होता रहेगा, ये लोगों की निगाह से उतरते रहेंगे। कांग्रेस में कई युवा, आप जीतू पटवारी को ले लीजिए, कुणाल चौधरी को ले लीजिए, और भी जयवर्धन सिंह अच्छे हैं, उनको आप ठीक से लाइए, मंत्री ना बना के दूसरे काम देते, तजुर्बा लेने देते उनको, कुछ जिम्मेदारियां, कमलेश्वर पटेल हैं, सारी की सारी जिम्मेदारियों की टोकरी कमलनाथ ने अपने सर पर रख ली और उन जिम्मेदारियों को बांटा नहीं, जिसका कारण, जिसका खामियाजा ये निकला कि आज कमलनाथ जी फिर प्रदेश से बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया है जनता ने। आप देखिए, दो तीन चीजें इस चुनाव में और बड़ी जोरदार हुई। एक बात ये कही गई थी जब सरकार गिरी उसके बाद कि 15 अगस्त को कमलनाथ जी तिरंगा फहराएंगे। 15 अगस्त फिर क्या है, कोरोना का लॉकडाउन और चुनाव की तिथि आगे बढ़ गई, इसीलिए 15 अगस्त नहीं, लेकिन दिवाली के पटाखे जरूर कमलनाथ जी सीएम हाउस करके, कमलनाथ सीएम हाउस में फोड़ेंगे, तो दिवाली के पटाखे तो फूटना शुरू हो चुके हैं, रुझान सामने, बीजेपी दफ्तर पे फूट रहे हैं अभी तो पटाखे, अभी बीजेपी दफ्तर पर जश्न का माहौल है, सभी बेहद खुश हैं। एक चीज और है अनुराग जी, आपने नोटिस किया होगा कि अभी दो चार दिन पहले से ही शिवराज बहुत आश्वस्त से नजर आए, और उनको कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आशंकित थे, शिवराज आश्वस्त थे, शिवराज ने वापस पुरानी गति से काम शुरू कर दिए थे, शिवराज सिंह जी ने कंप्यूटर बाबा पे अतिक्रमण जो कंप्यूटर बाबा, अब देखिए इनकी तो बात ही मत कीजिए, ये चाहे कंप्यूटर बाबा हो, मिर्ची बाबा हो, ये कोई बाबा बूबा नहीं है, ये धंधेबाज है, और खुलकर दिग्विजय सिंह उनके समर्थन में, ये धंधेबाज है, कोई आध्यात्मिक आदमी नहीं है, ये लोग, ये वो लोग हैं जो हिंदुत्व का, हिंदुत्व का कबाड़ा कर रहे हैं, ये कोई संत महात्मा नहीं है, ये सिर्फ सत्ता की लॉलीपॉप चूसने के लिए आने वाले लोग हैं, चाहे मिर्ची बाबा हो। इन्होंने कहा था ब्लैकमेलर बाबा के नाम से, आपको शेफाली जी इनके बयान याद हो कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, दिग्विजय सिंह साहब भोपाल से चुनाव लड़ रहे थे, तब कोई बोल रहा था मैं खुदकशी कर लूंगा, मैं अग्नि स्नान कर लूंगा, मैं डूब मरूंगा। अरे भैया, काय के बाबा हो, अपनी जुबान पे कायम नहीं रहते, उसके बाद क्या किया बाबाओं ने, जमीनों पे कब्जे कर लिए, बाबाओं में झगड़े शुरू हो गए, बाबा पैसा लेके यात्रा निकाल रहे हैं। इस देश के मतदाता बेहद जागरूक हैं, वो सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास प्रलोभन नहीं जाता, कोई साड़ी पहुंचाता है, कोई शराब पहुंचाता है, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता, कोई कंबल पहुंचाता है,
वो इतना चतुर मतदाता है, वो कंबल भी ले लेता है, पैसा आता है तो पैसा भी ले लेता है, साड़ी आती है तो साड़ी भी ले लेती है, उसे मालूम है किसे वोट देना है। पांच साल उसकी देखभाल कौन करेगा, वो वोट बहुत सोच समझ के देता है। वोटर अब वो नहीं है कि आपके प्रलोभन में फंसेगा, वो आपको वक्त आने पर बता देगा कि उसकी कीमत क्या है। शिवराज जी की हम बात कर रहे थे, शिवराज जी पिछले कुछ दिनों से काफी आश्वस्त नजर आए, उन्होंने अपनी उसी गति से काम शुरू कर दिया, उनको लग गया था कि वो इसी कुर्सी पे काबिज रहेंगे, उनको ही सत्ता संभालनी है, उनको ही ये सरकार चलानी है, तो उन्होंने धीरे धीरे, अभी हमने कल परसों के एक फुटेज देखे थे, वो दलित के यहाँ भोजन कर रहे थे, कली कली की बात है, वो कुम्हार से मिले। देखिए अब ये क्या है, आश्वस्त होने का प्रमाण है, और सशंकित होने का प्रमाण क्या है, ईवीएम में गड़बड़ी। दिग्विजय सिंह जी बड़ी जोर से कह रहे थे ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, कमलनाथ जी चीज 2018 में जीते हाँ, तो ईवीएम नहीं थी। और कमलनाथ जी कह रहे थे कि मतलब धमका रहे थे मुझे, मैं साफ कहूंगा आप बहुत बार के सांसद हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप बड़े नेता हैं, लेकिन आपको प्रणाम करता हूं, आपके दिमाग को प्रणाम करता हूं, आप अधिकारियों को धमका रहे कि हमारी सरकार आ जाएगी हम देख लेंगे, अधिकारी प्रशासनिक अमला गड़बड़ियां कर रहा है। अरे कोई क्या गड़बड़ करेगा, मुझे जिसको वोट देना है मैं उसको दूंगा, और मैं आम मतदाता हूं, जितने मतदाता हैं मध्य प्रदेश के, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा नहीं सोचते, हम आम तौर से सोचते हैं कि भैया जो डेवलपमेंट की काम करेगा हम उसको वोट देंगे, जो दंगे फसाद नहीं होने देगा हम उसको वोट देंगे, जो धार्मिक सौहार्द बना के रखेगा हम उसको वोट देंगे, और जो देश की बात करेगा हम उसको वोट देंगे। चार पांच चीजें मोटी मोटी होती हैं, और कांग्रेस कम से कम ये चारों पांचों काम नहीं कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, और कांग्रेस ने एक बहुत अजीब सा चीज अपना ली थी कि बस बोलते जाओ, वादे करते जाओ, निभाना नहीं निभाना वो बात की बात है। मैं आपको वादों में पूरी शेफाली जी, अब मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, आप हमेशा अपडेट देती हैं, आज अब मैं दे रहा हूँ अपडेट कि मध्य प्रदेश की जिन 28 सीटों पर चुनाव है, है ना, 20 पे बीजेपी को बढ़ाते हैं, 7 पे कांग्रेस को, एक बीएसपी आगे है मुरैना में, तो अब जो आंकड़ा है 20-7-1 हो गया है, तो कमलनाथ जी आपका दावा फेल हो गया है। अब मैं एंकर बन गया शेफाली से, अब मैं सवाल करता हूँ थोड़े से कि जिस गति से ये परिणाम, अभी भी ये रुझान है, परिणाम नहीं है, तो रुझान बदल रहे, 20 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी, 7 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी। अब आप देखिए ग्वालियर चंबल के समीकरण की मैं बात करूं, वहां बीजेपी की जो जमावट थी, शिवराज सिंह जी जाते थे, मोर्चा संभालते थे, आते थे, ज्योतिरादित्य जी का इलाका है वो वहां लगे हुए थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा साहब वो वहां लगे हुए थे, उनका मीडिया के प्रभारी लोकेन पाराशर, उन्होंने पूरी 16 सीटों की जमावट की वहां पे। जो बिहाइंड द कर्टन बात की जाती है, पर्दे के पीछे बीजेपी की स्ट्रेटजी, बीजेपी का वॉर रूम, एक मैं, मेरी सुनिए आप, एक प्रभात झा साहब, बिल्कुल पूर्व राज्यसभा सदस्य, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पत्रकार, लेखक, चिंतक, वो वहां डेरा डाले हुए थे, उमा शंकर गुप्ता वो उन 16 सीटों पर नजर बनाए हुए थे, कांग्रेस के भी कई लोग थे, लेकिन वहां डेरा डाले हुए थे, पीसी शर्मा साहब गए थे, कमलनाथ जी गए थे, और इन्होंने भी जाके जिस तरह की बयानबाजी की वो ग्वालियर के लोगों को भड़काने वाली थी, और उसमें उस आग में जो घी का काम किया वो आइटम ने कर दिया, तो वहां का इलाका जो था वो भड़क गया। और आप देखिए कि सबसे ज्यादा उम्मीदें कांग्रेस को गद्दार के मसले पे उन 16 सीटों पे नजर आ रही थी, उनका ये मानना था कि 16 सीटें हमारी थी या हमने जीती थी, कमलनाथ जी आप मुगालते में थे, वो 16 सीटें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीती थी, वहां सिंधिया राजवंश का बड़ा असर रहा है, सिंधिया परिवार का असर रहा है, तो वहां पे सिंधिया परिवार को बड़ा सम्मान दिया जाता है। उन्होंने उन 16 लोगों को गद्दार तो कहा, लेकिन पूरी की पूरी किसान जो जमात थी, जो किसान है हमारे प्रदेश, उन्होंने कर्जा माफी के नाम पर कमलनाथ की सरकार को गद्दार साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा कर्ज तो माफ नहीं हुआ, लेकिन हम बेहद कर्ज के गड्ढे में डूब गए हैं, और शिवराज से आस है कि अब हमको इस गड्ढे से वो कहीं उबार पाएंगे। एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, खास करके जो यंग युवा हैं, बच्चे हैं, किसान हैं, ग्रामीण हैं, कुछ नौकरी पेशा सरकार से नाराज हो सकते हैं, ये जो वर्ग है ये शिवराज का बहुत बड़ा फैन है। शिवराज सिंह चौहान की जो ताकत है वो मामा वाली है, उनकी जो छवि मामा वाली, बच्चे बच्चे उनको मामा कहते हैं, बहनें मध्य प्रदेश की वो उनको अपना भाई कहती हैं। कमलनाथ जी के साथ ऐसा कोई इंटीमेसी का रिश्ता नहीं बन पाया, इन्होंने अपने वीडियो बनवाए, सोशल मीडिया पे वायरल की, कमलनाथ जी ने कमलू काका बना दिया इनको, भाई तुम्हें किसने कमलू काका कहा, मध्य प्रदेश के लोग कमलनाथ की शक्ल नहीं जानते, जो जानते हैं वो देखना पसंद नहीं करते, ये स्थिति है कमलनाथ जी। बात थी जो अनुराग जी ने बताया अभी कि शिवराज को मामा की छवि के रूप में बच्चे देखते हैं, मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जब उनका 10वीं 12वीं का एग्जाम होता था तो थोड़ी सी मेहनत और कर लेंगे ना तो स्कूटी मिल जाएगी, थोड़ी सी मेहनत और लैपटॉप मिल जाएगा, लैपटॉप मिल जाएगा,
महिलाएं जो बच्चियां पहले घर में जन्म लेती थी तो उनको मार दिया जाता था या छोड़ दिया जाता था, लेकिन बच्ची आएगी हमारे घर तो साथ में लक्ष्मी लेके आएगी। प्रदेश लाडली लक्ष्मी उनकी बहुत अच्छी योजना थी। योजना प्रदेश सरकार ने जो पैदा होने से लेके उसकी शादी तक की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ने ले रखी थी। तो कमलनाथ की सरकार आने के बाद इन सारी चीजों पे जो रोक लगी, जो शादी में जो दहेज दहेज क्या कुछ उपहार हमारी सरकार दिया करती, वो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, का हिस्सा था, वो बंद कर दिया गया। और साथ ही वो बच्चियां जिन्होंने इन 15 महीनों में जो जन्म लिया था उनको वो चीजें नहीं मिली जो तमाम सारे, ये एक बड़ा फैक्टर था शेफाली। जो ग्रामीण इलाके हैं कर्ज माफी का तो बहुत असर था वहां पे, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, कन्यादान योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, ऐसी तमाम सारी योजनाएं थी जिनको शिवराज के अच्छे काम थे इसलिए इनको आगे नहीं बढ़ाना कमलनाथ जी ने ठंडे बस्ते में डाला। और कमलनाथ जी ने आते ही, आपको याद होगा शिफाली जी, गलतियां कहां से शुरू की थी? पहली गलती की थी उन्होंने कि जो वंदे मातरम होता था राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का जो वल्लभ भवन पे होता था उसको बंद किया। उसके कारण वो बहुत ट्रोलिंग हुई, तो उन्होंने कहा मैं इसको बड़ा आकर्षक और अच्छा करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। तो कमलनाथ जी की एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो बोलते बहुत हैं और जितना बोलते हैं उतना करते नहीं है। फिर वो क्या कहते हैं, एक उनका दूसरा बड़ा एक एटीट्यूड, अरे मैं मीडिया में नहीं आता, मुझे मीडिया से मतलब नहीं है, और मीडिया मुझे नहीं सिखाएगा कि मैं क्या करूं, मुझे मीडिया से लेना देना, मुझे शौक नहीं है मीडिया में। मैं अपने शुरुआती दौर में जब अनुराग की सरकार बनी थी तो हमें नहीं छपना अखबारों में, और आपने नोटिस किया हो जितने पहले पन्ने के हेडर पे कमलनाथ जी का फोटो, वही वही कमलनाथ की करनी कथनी में इतना बड़ा अंतर है। कमलनाथ की आप देखें, अभी कमलनाथ जी के कुछ लोगों से मुलाकात हुई, बैठे हुए थे, मैंने उनसे एक सवाल किया कि आपके यहाँ तो घुसखोरी बहुत हुई तबादले में, ये नहीं होती तो इसके बड़े अच्छे प्रणाम होते। तो बोले हमने एक पैसा नहीं लिया। वो तो हमारे बीच में दलाल आ गए, दलाल आ गए थे। वो कौन दलाल थे? अब आपने चुन चुन के माखनलाल में कुलपति बना दिया एक पत्रकार को, ऐसे को जिसको लोगों को जानते नहीं ढंग से, ऐसे मतलब ऐसे कई किस्से है ना। आपने अपने सलाहकार ऐसे ऐसे लोग लाके, मैंने रवि बड़गैया से देखे जो चर्चाएं की ना, ये सब कमलनाथ को मरवाने वाले लोग हैं, ये कमलनाथ को एक भी खड़ा करने वाला नहीं है। चुनाव में सक्रिय थे वे लोग और उन्होंने जो ज्ञान कमलनाथ को दिया वो ले डूबा, और कमलनाथ जी की जो पूरी चुनाव की मुझे लगता है रुझान आ रहे हैं तीव्र गति से। अब 7 पे कांग्रेस सिमटती, सुबह जो है 12 थी, राजपूत आगे चल रहे हैं, गोविंद सिंधिया समर्थक के आगे एक विदेश से पढ़कर आई महिला पारुल सिंह, पहले बीजेपी में थी पारुल, उसके बाद लाके आगे खड़ा किया गया था। पारुल साहू एक सभ्य महिला है और उनका वहां पर पहले गोविंद सिंह को हरा भी चुकी है एक बार, और जोरदार चुनाव था, बहुत जोरदार चुनाव था ये, और माना जा रहा था कि पारुल साहू ये सीट निकाल लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की बदजुबानी और कुछ सलाहकारों की गलत सलाहें, कोई भी मैं आपको शेफाली जी बहुत स्पष्ट तौर पर, मेरे को 31 साल पत्रकारिता करते हुए हो गए और मैं जितना आकलन कर सकता हूँ, अगर कांग्रेस की जितनी सीटें कांग्रेस हार रही है उसकी सिर्फ एक वजह है, वो है कमलनाथ, सिर्फ कमलनाथ, सिंगल वजह है। बीजेपी में हम कई सारी वजह गिना सकते हैं जीतने के, लेकिन कांग्रेस में हारती है कांग्रेस, कांग्रेस 28 सीटों में से 7 पे जैसे अभी आगे चल रही है, ये बढ़ती है कम होती जो भी है, अगर इसका श्रेय जाता है तो सिंगल कमलनाथ को। जो कांग्रेस घड़ी थी उसको खोलने की कोशिश की कमलनाथ ने, अब इसको वापस घड़ी करके रखेंगे तो कमलनाथ, अब मुझे लगता है कमलनाथ जी का जो अध्याय था, जो चैप्टर था, वो मध्य प्रदेश में क्लोज हो रहा है। अनुराग जी, जो रुझान सामने में आ रहे हैं उससे एक चीज और है कि अब 15 साल के बाद आ पाए थे, 15 महीने में सिमट गए, अब आगे क्या? अब आगे क्या, कमलनाथ जी वापस दिल्ली जाएंगे? बीजेपी की अगर माने, बीजेपी के नेता कह रहे थे कि 10-11 तारीख को उन्होंने बैठक बुलाई है, और मुझे एक हमारे मित्र हैं जैसे बहुत रोचक बातें करते हैं, कुणाल चौधरी कांग्रेस में, ऐसे ही एक रोचक और शानदार नेता बीजेपी में है अरविंद भदौरिया जी। कल मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने तय किया कि हम कमलनाथ जी के थोड़े दिन मजे लेंगे, हम कमलनाथ जी के मजे लेंगे। तो बीजेपी कमलनाथ जी के मजे ले रही है, और कमलनाथ जी खुद को पता नहीं क्या समझ रहे थे, बीजेपी जिस तरह नचा रही थी कमलनाथ जी उस तरह नाच रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। इस नाच को बिल्कुल अन्यथा न लिया जाए, है ना। तो बीजेपी ने पत्ते खेले, बीजेपी ने चाल चली, कमलनाथ जी उन चालों में फंसते चले गए, और ये हुआ कि अब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में वापस बाइंड अप हो रहे हैं। और मुझे लगता है शिफाली जी, अगले 15 से 20 दिन कांग्रेस के लिए और खतरनाक होंगे। अगर ये रुझान परिणामों में परिवर्तित होते हैं तो 3 विधायक अगले 20 दिन में बीजेपी में शामिल होंगे।
और अभी मैं टोटल सीटों की बात करूं 230 सीटों पर 229 सीटें हैं अभी, और जिसमें बीजेपी जो है 127 और कांग्रेस 94 हाँ, और दो और बाकी अन्य, तो ये जो 8 अन्य हो जाएंगे, 7 पहले के और एक अभी बीएसपी का मोरना से प्रेशर। अब शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार बचे हुए 3 साल बहुत आसानी से चला सकते हैं अगर ये बहुमत होता है, वो ऐसा कुछ मुझे लगता है कि अब करेंगे जिससे आगे का जो चुनाव आएगा उसमें शिवराज को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए शिवराज सिंह चौहान साहब के साथ 2-3 प्लस पॉइंट हैं। एक तो वो किसी भी क्रिएशन को खारिज नहीं करते, कोई भी उनके पास सकारात्मक रचनात्मक काम जाता है तो वो उसके खर्चे का आकलन करते हैं लेकिन उस पर काम शुरू करते हैं, अच्छे सुझावों पर वो काम करते हैं। फिर दूसरा उनका जो टारगेट है वो महिलाएं हैं जी। भाई हम टेलीविजन में ऑडियंस तय करते हैं कि कौन सी ऑडियंस हमको देखेगी, कौन हमारा टीआरपी बनेगा, तो ऐसे शिवराज की भी जो तय लोग हैं उसमें महिलाएं प्रायोरिटी पे रहती हैं, महिलाओं के लिए वो सबसे अच्छी तरीके से सोचते हैं, बच्चियों के लिए सोचते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं। और ये शायद मुख्यमंत्री नहीं थे जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मैं 1995-96 से उनके टच में आया एक नेता के और पत्रकार के रूप में, बाकी जानता मैं उनको 1989 से हूँ, तो मैंने 96 से अनुभव किया कि बच्चियों की शादी कराना ये उनका एक शौक था कि अपने इलाके अपने गांव वहाँ की गरीब बच्चियों की शादी कराएं, तो ये एक अच्छी आदत थी उनकी जिनको उन्होंने सत्ता में आके जारी रखा। और जैसे आपने कहा कि बच्चियों को साइकिल मिलेगी, लैपटॉप मिलेगा, स्कूटी मिलेगी, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो सकारात्मक मध्य प्रदेश, एक परिवर्तनकर्ता मध्य प्रदेश, एक समग्र मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उस पर अगर शिवराज सिंह 3 साल काम करते हैं, इन रुझानों के बाद ये परिणाम में तब्दील होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए अगले चुनाव में कोई संभावनाएं बचेंगी। और शिवराज ने जो ये योजनाएं बनाई थी बहुत सोच समझ के, देखिए 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा आप उसको अगर कुछ उपहार देते हैं वो 12वीं करते ही आपका वोटर बन जाता है, उसका कोई छोटा भाई है या उसका परिवार, वो आगे सोचता है कि अगर मैंने मामा को वोट दिया तो ये, मेरे ये। पीछे की जो पीढ़ी है उसको भी ये लाभ मिलेंगे, और इसलिए मामा लगातार तीसरी चौथी बार रिपीट हुए ये अब मामा। ये बिल्कुल ठीक है शिफाली, आपको याद होगा 2003 तक दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और मध्य प्रदेश की हालत बहुत खराब थी, सड़कें नदारद हो गई थी, गड्ढे ही गड्ढे बचे थे, पानी सप्लाई सिस्टम ना के बराबर था, सूखी जैसे हालात बन चुके थे आदि मध्य प्रदेश में, और बिजली के तो पते ही नहीं होते थे कब आएगी और कब जाएगी। तो जिन लोगों ने, जो बच्चे थे उस समय छोटे 2 साल 3 साल 5 साल, रात रात भर बिजली नहीं है, सब उन्होंने देखा और दिग्विजय सिंह को सिरे से खारिज कर दिया। आप देखिए कि दिग्विजय सिंह भोपाल जैसी जगह पे जहां वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे वहां लोकसभा का चुनाव हार गए बुरी तरह से। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिन्होंने नाको चने चबवा दिए, उन्होंने उन्होंने नाको चने चबवाए, और उस वक्त कहा गया था कि कांग्रेस में एक ही आदमी है बंटाधार दिग्विजय सिंह, और अभी के चुनाव में ये सामने में निकल के आ रहा है कि रही बची कसर कमलनाथ ने पूरी कर दी। तो ये दोनों ही नेता अब बीजेपी के आगे बहुत कमजोर से नजर आ रहे हैं, और दूसरा जो इनको प्लस पॉइंट पे काम करना चाहिए था इन्होंने वो सब माइनस में मार्किंग करवा ली है, तो अब इनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं बचा जो फ्रंट फेस पे आके खेले और आगे ये जो 3 साल है उसमें कुछ ऐसा मेहनत करे या कोई कमाल कर दे जो आगे के जो चुनाव होंगे 3 साल बाद उसमें कोई कमाल हो पाए। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 2018 में जब चुनाव हुए, मुख्य चेहरों की अगर हम बात करें तो सिंधिया के चेहरे पे कांग्रेस ने दांव खेला था, पीछे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इन 3 चेहरों के अलावा कोई चौथा चेहरा नहीं था कांग्रेस में। वहीं बीजेपी में शिवराज का फ्रंट फेस था, नरोत्तम मिश्रा जी बहुत उभर के आगे आए थे, और अभी बीडी शर्मा जी, इन्होंने बहुत प्रमुखता से बातें रखी और बहुत खुलकर चीजें कही। हम आपको अभी बीडी शर्मा का बयान भी सुनवाएंगे, अभी उनका एक बयान आ गया है, वो मीडिया से बात कर रहे हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने 15 महीनों में जिस प्रकार से गरीबों के हक और अधिकार को छीना, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्रहार किए गए थे, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को लूटा गया था, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चैलेंज करने का काम कमलनाथ जी आपने किया है तो इसका जवाब बूथ बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देगा। आज मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कठिन चुनाव को ऐतिहासिक मतों से जनता ने जो समर्थन दिया है कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर, और माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिसमें सारे हमारे लीडर्स जिन्होंने टीम भावना के साथ काम करके
इस मध्य प्रदेश का इतिहास बनाया है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे सारे नेतृत्व को और हमारे सारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बार पुनः बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो मैं आपको बीडी शर्मा जी के बारे में बता दूं कि बीडी शर्मा जी वो सामान्य व्यक्ति हैं, संघ की विचारधारा रखने वाले हैं। उन्होंने बहुत खुलकर चीजें सामने में रखी थी। उन्होंने कमलनाथ की जो आपने एक बीच में चर्चा की थी, रतुलपुरी और ये उनकी जांच की मांग भी की, जांच की मांग की थी। ये सारी चीजें अब मुझे लगता है 3 साल बीजेपी मुंह बंद करके तो बैठने वाली नहीं है। कमलनाथ की देखिए राजनीति का जो ट्रेंड है, कमलनाथ ने आते क्या किया जी, सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति थे कोठियाला साहब, उनको लेके उल जलूल चीजें करी और जबरदस्ती पैदा करवाई। एक मीडिया को लेके कि मीडिया के लोग चोर हैं, घोटाला करते हैं, ये करते हैं, वो कर दिया। उसके बाद तीसरा, उन्होंने ईओडब्ल्यू में जिन जिन लोगों को फंसाना था उनके खिलाफ जांचें, नरोत्तम मिश्रा, उनका स्टाफ, ये सब कर दिया। अब आप सोचिए कहीं अगर बीजेपी इसी अदा पर आ गई, इसी स्टाइल पर आ गई, तो कमलनाथ जी की तो सारी जिंदगी काली हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि सिख दंगों में कमलनाथ जी के साथ जिन लोगों के नाम आए थे उनमें से कुछ जेल चले गए हैं, कुछ की बहुत बुरी स्थिति हो गई है, राजनीति करने लायक नहीं बचे हैं। तो ये स्थितियां हैं। अगर इनके घपले घोटाले सामने आने शुरू हुए तो यकीन मानिएगा कि कांग्रेस में लोग सम्मान से कमलनाथ जी का नाम नहीं लेंगे। लेकिन एक चीज और, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा में शामिल हुए, क्या अब ये परिणाम आने के बाद, कमलनाथ और दिग्विजय के रवैये के बाद, कांग्रेस में बचे हुए युवा नेता क्या कोई बड़ा फैसला ले सकते? नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। कांग्रेस की समस्या गांधी परिवार है जी। कांग्रेस की, अगर कोई मुझसे पूछे कि कांग्रेस की समस्या क्या है, तो कांग्रेस की समस्या गांधी परिवार है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ये उस गांधी परिवार के चक्कर काटते रहते हैं, ये उपग्रह हैं उसके, वो मुख्य ग्रह हैं तो ये उसके उपग्रह हैं, ये चक्कर काटते रहते हैं। तो दिग्विजय सिंह जैसे लोग, कमलनाथ जैसे लोग, ये अपना सोचते नहीं है, वहाँ के अलावा सोच ही नहीं पाते। अब कमलनाथ जी को लगता है वो सोनिया गांधी के टच में, राहुल गांधी से तो कोई कुछ भी बुलवा देता है। ज्योतिरादित्य जी थोड़ा सा राहुल गांधी के नज़दीक जाते हैं, कभी कमलनाथ जी सोनिया गांधी के नज़दीक जाते हैं। तो पहले तो गांधी परिवार से मुक्त हो कांग्रेस, तब नए लोगों को वहाँ मौका मिले। जब वहाँ नए लोगों को मौका मिले तो मध्य प्रदेश में मौका मिले, और नहीं तो यही दिग्विजय सिंह, यही कमलनाथ रहेंगे। और जो इशारे अभी मध्य प्रदेश के, अगर हम सिनारियों को देखें तो 28 सीटों पर चुनाव, 20 पे बीजेपी की बढ़त, 7 पे कांग्रेस की, 1 पे बीएसपी की, 230 विधानसभा की सीटें, 229 इस समय हैं, जिसमें 107 बीजेपी के पास हैं, 20 पे बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस की 7 सीटों को जोड़ दें तो 94 सीटों पे कुल कांग्रेस, और 8 पे अन्य, 1 बीएसपी और 7 पुराने, है ना। तो ये कुल स्थिति बनी हुई आप देखिए शेफाली जी। और मुझे नहीं लगता कि जब तक इनकी विदाई दिग्विजय सिंह साहब और कमलनाथ ये जब तक मार्गदर्शक मंडल टाइप की जगह नहीं पहुंचेंगे, तब तक कांग्रेस में किसी युवा का कोई भविष्य नहीं है। तस्वीरें सामने आने लगी हैं, बीडी शर्मा ढोल बजाते नजर आ रहे हैं, हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पल पल के अपडेट के साथ हम आपके पास रहेंगे, बने रहेंगे। बीजेपी में जश्न का माहौल है, बीडी शर्मा ढोल बजाते नजर आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों में कि बीजेपी में अब ये क्लियर हो चुका है कि कायम रहेगा शिवराज। नमस्कार। क्या मध्य प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है, अभी वो और रुके हैं 1-2 घंटे, 4 घंटे, जितना रुकना है उतना रुके, उसके बाद की तैयारी करें। आप पूछिए कब क्या करेंगे इसके बाद। कौन से चुनावी मुद्दे थे जनता ने इस पर भरोसा? देखिए चुनावी मुद्दे विकास का मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल जो काम किया था, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 6 महीनों में जो काम हुआ था, और इन्होंने 15 महीने में मध्य प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम दिग्विजय सिंह के सारे पर कमलनाथ ने किया था। एक दूसरा, इन्होंने जिस प्रकार से दलित, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के अंदर जो 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे, इस उपचुनाव में हम सब लोग चुनाव का परिदृश्य देख रहे थे।
आपका एग्जिट पोल कह रहा था कि भाजपा को समर्थन मिलेगा, लेकिन हम लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।